एक तो बार फिर से आप सबों का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल किशन कपूर ब्लॉग में दोस्तों हमारे चैनल पे बहुत सारा कमेंट आ चुका है कि सीतामढ़ी में जो बोहा टोला है वो कहाँ पर स्थित है तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि सीतामढ़ी का जो बोहा टोला है वो कहाँ पर स्थित है वीडियो में आप बने रहिएगा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा मात्र तो दो मिनट का वीडियो होगा दोस्तों सीतामढ़ी में इन करने के लिए आपको यह देखना है कि पहले आप आते कहाँ से हैं आप बैरगिनिया तरफ से आते हैं या फिर सोनबरसा की तरफ से आते हैं या फिर आप भिट्ठा मोड़ की तरफ से आते हैं या फिर आप मुजफ्फ़रपुर या पटना से आते हैं सीतामढ़ी में आपको इन करने के लिए क्योंकि सीतामढ़ी बीच में है और इन चारों तरफ से आप आ सकते हैं क्योंकि सोनबरसा जो मैंने बताया वो नेपाल का बॉर्डर है और भिठा मोर बताया उधर भी नेपाल का बॉर्डर है और बैरगिनिया बताया इधर भी नेपाल का बॉर्डर है और ये एक मुजफ्फ़रपुर है जो आप इधर से आते हैं तो सीतामढ़ी में अगर आप सोनबरसा की तरफ से आते हैं तो आपको पुरानी वाली बस स्टैंड में ही उतार दी जाएगी जो सीतामढ़ी के बोहा टोला से मैक्सिमम आपको तीन किलो से चार किलोमीटर पीछे ही है तो आप वहाँ पर उतरेंगे तो वहाँ से जो हवा हवाई गाड़ी होती है जो ई रिक्शा होती है वहाँ से गाड़ी चलता है अगर नहीं तो आपके पास अगर पर्सनल गाड़ी है बाइक है या फिर चार चक्का है तो वहाँ से एक सीधा रोड निकला हुआ है वो जो रोड सीधा आएगा वो आपको किरण सिनेमा होते हुए मोहन के चौक होते हुए एक जानकी स्थान गुलंबर के पास आएगा रोड सीधा आपका आएगा जानकी स्थान जब गोलंबर के पास आएगा तो वहाँ से एक रोड रीगा रोड की तरफ गया हुआ है और वही रोड बैरगिनिया जाता है तो रीगा रोड में आपको घुस जाना है और ज़्यादा नहीं आप 10 से 15 कदम चलेंगे तो आपको एक बांध मिलेगा तो बांध पर आपको बांध आउट नहीं करना है आपको बांध पर चढ़ जाना है और आपको दाएं की तरफ चले जाना है और वहां जब आप नीचे जाएंगे तो बहुत सारे आपको आ, क्या उसको बोलते हैं बांस का घर आपको दिखेगा और बांध के इसे बांध नाम से भी फेमस है जो जगह है बांध नाम से भी फेमस है वहाँ और इन सब घरों में ही ये जो धंधा होता है ये सब चलता है तो आप वहाँ पर चले जा सकते हैं याद आपको यहाँ ये याद रखना है कि वो बांध जो है उस बांध से आपको आगे नहीं जाना है बांध पर जैसे ही चढ़ेंगे आपको राइट की तरफ लेके उस एरिया में आपको घुस जाना है अगर आप सोनबरसा तरफ से आते हैं तो अगर आप बैरगिनिया से आते हैं यानी गौरव नेपाल पार करते हैं उसके बाद बैरगिनिया से अगर आप सीतामढ़ी आते हैं तो आपकी जो गाड़ी आएगी ऑटो हो ई रिक्शा हो पर्सनल गाड़ी हो तो आपकी गाड़ी उधर वोहाटोला से होकर ही आएगा जो आपके पीछे से ही आएगा और वो आपके टेम्पो स्टैंड में आकर रुक जाएगा और वहाँ से आपको फिर दस कदम पीछे जाना पड़ेगा अगर आप ऐसे मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर के तरफ से आते हैं तो मुजफ्फ़रपुर के तरफ से आप आते हैं तो आपको बस स्टैंड में उतारा जाएगा वहाँ से आप ई रिक्शा कर लीजिएगा और उसको तो कहिएगा कि मुझे बोहाटोला जाना है या फिर बांध पे जाना है तो आपको वो आपको पहुँचा देगा आसान रास्ता है क्योंकि सीतामढ़ी माने के लिए आप चार जगह से आ सकते हैं यानी कहीं से भी आप आ सकते हैं बीच में है और शहर के जो बोहा टोला है शहर के सबसे लास्ट कोना में स्थित है और वहाँ से सीतामढ़ी का छोर खत्म होता है वहाँ से दूसरा कोई प्रखंड आ जाता है और ये थी जानकारी और मैंने और भी वीडियो बनाया है वो होटोला के बारे में जो मेरे चैनल पर अपलोड है आप वहाँ जाके इस वीडियो को देख सकते हैं फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिलहाल किशन कपूर को दीजिए इजाज़त मिलते हैं कोई अगली वीडियो में धन्यवाद